वेलकम बैक टू आवर चैनल। सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे बोल के आशा करती हूँ। तो आज का ब्लॉग है, नॉर्मल ब्लॉग है कि बिल्लियाँ हमारा क्या घर पे उलट पुलट कर देती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये है हमारी बिल्लियाँ कहाँ पे बैठी, कैट ट्री पे बैठी है। कैट ट्री भी तोड़ दिया है, तो वहाँ पे हमने बॉल में उसको हर दो टाइम हम लोग पानी रखते हैं, दिन में दो बार अच्छा अच्छा पानी हम लोग निकाल के रखते हैं। तो वो पानी देख सकते हैं आप, वो नीचे उल्टा के पानी उस पर बैठ जाती है कि मतलब उसको ठंडा लगे बॉडी पे, क्योंकि उनका बाल इतना ग्रो हुआ रहता है बॉडी पे, ठंडा नहीं मिलने की वजह से वो लोग ऐसा करती है कि जहाँ पे भी गीला है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत केयरफुली रहना चाहिए कि कैट जाके जहाँ पे बार बार बैठ रहे वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए कि वहाँ पे गीला तो नहीं है। ये देखिए कैसे कैसे कर रहा है, क्योंकि इसको अभी बैठना नहीं है, क्योंकि इसका अभी खेलने का टाइम है। क्योंकि जैसे हम लोग आते तभी ये खेलना स्टार्ट करते, वरना घर पे रहते ना तो अकेले जब रहते हम लोग, कहीं बाहर गए, काम गए, कहीं पे भी जाते तो ये हर टाइम सोते रहते हैं। चलो हम लोग अपना अभी रूम दिखाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उनका ना एक टेबल बनाया हुआ है हमारे लिए, वो टेबल पे जाके हर कोई सोता ही रहता है, ना लैपटॉप देखता है, ना टैब देखता है, ना मोबाइल देखता है, कहीं पे भी जाके लोट पोट होके सो जाता है। तो गाइज ये है, जैसे आपको पता है ये है हैरी। तो आपको हैरी कैसा लगा? और आपके तरफ से हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइज। देखिए हैरी भी मना कर रहा है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो आप हमें हमारी बालकनी में भी देख सकते हो कि जाके कैसे खेलता है। ये पूरा उठा के रखा था हमने, तो ये पूरा खींच खींच के ना सब कुछ गिरा पड़ा के सब खींच के उसके ऊपर खेलना स्टार्ट कर देता है गाइज। तो इसको हम लोग ना हर दिन में दो बार क्लीन करते हैं, फिर भी इन लोगों ने ना हमारा नाक में दम करके रखा हुआ है। तो हमने पूरा कपड़ा समेट के रखा हुआ था, देखिए गाइज पूरा कपड़ा गिरा तरह के सब कुछ हमारा बवाल कर देता है, लेकिन हमारा बच्चा है तो हमें क्लीन करना पड़ता है। तो इसका भी थोड़ा बहुत बाल गीला हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत वाइप करके थोड़ा हेयर ड्रायर से क्लीन कर देती हूँ। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और ये है हमारा सिम्बा, देखिए कैसे बैठा रहता है, क्योंकि उसको अभी अभी मैंने डांटा है इसलिए उसको वो वैसे बैठा है, क्योंकि वो शैतानी कर रहा था इसलिए वैसे बैठा हुआ है गाइस। जैसे अभी मैं माशा को बुलाती हूँ, देखिए गाइस माशा, देखिए गाइस, क्योंकि एक्चुअली माशा क्या है कि उसका थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसका भी वो लीटर यूज नहीं करती, लीटर बॉक्स यूज नहीं करती है। तो इसीलिए क्या होता है कि माशा ना कहीं पे भी बाहर जाके पीली वगैरह लैटरिन वगैरह कर देती है। तो कोई बात नहीं, मैं उसका क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे लीटर बॉक्स रखा हुआ है, देख सकते हो। हम लोग सबके लिए अलग अलग प्लेट्स देते हैं गाइस, क्योंकि वो अलग अलग खा के इक्वली खा सके बोल के। तो माशा का ये प्रॉब्लम है कि वो लीटर बॉक्स में जाके लीटर नहीं करती है। अगर हम लोग दिन में दो बार भी क्लीन करते हैं तो वो वहाँ पे जाके करती नहीं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है कि अच्छा वाला लीटर ही चाहिए। तो इसीलिए ना आपका पेट का ध्यान रखिए, स्पेशली इस वेदर में। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो प्लीज सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, जो भी टॉपिक चाहिए हमें कमेंट करके बताइए।